हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस और मैं ये रिंग लड़ लाया था जो पीछे पड़ी है एंड इट वाज नॉट वर्किंग मैं फ्रेंड से मांग के लाया था और अब नहीं लेनी पड़ेगी उसका देखते हिसाब किताब बट तब तक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा करो मैं आई नो इट्स अनकंफर्टेबल बट या इट इज़ वट इट इज़ हम आज की वीडियो में बात करेंगे कल के मैच के बारे में इंडिया वर्सेज कतार एंड वट अ डिसग्रेस भाई लाइक like ड्रॉक बस सेड वट अ डिसग्रेस इट इज इट इज़ इवन मोर डिसग्रेसफुल दैन बार्सिलोना वर्सेज चेल्सी लेट सीरियल और अगर आप पॉप कल्चर में देखोगे तो भाई इंडियंस आर दी मोस्ट हेटेड पीपल ऑन वर्ल्ड भाई पॉप कल्चर में आप ट्विटर में देखोगे द रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज़ लाइक ओ द ईट करी ऑल द टाइम ओ इट यू स्मेल लाइक ऑनियंस ऑल द टाइम एंड यह बंदा जो है कोरिया का एंड कोरिया इज वन ऑफ द नेशंस दैट हेट्स इंडिया द मोस्ट और ये जो बंदा है इसकी शक्ल देखो आप इसके फेस भी दिखते हैं कि ही हैज़ सम काइंड ऑफ एनिमोसिटी अगेंस्ट इंडियन पीपल एंड आई कैंट डिफेंडिम या मैं नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल पर मिसटेक है बिकॉज देर वॉज सम हिडन पर्सनल अजेंडा इन्वॉल्व उसके उस डिसीजन में बिकॉज हाउ कैन यू मेक सच ए नैर भाई वे आर नियर सब प्लेयर जरूर गया तो कोई छूती है क्या प्लेयर्स अगर प्लेयर जरूर गए तो गिव इट अगर आप डाउट में भी हो और प्लेयर्स रुके हैं, तो गिव इट भाई कि वो बॉल लाइन के बाहर चलिए कॉर्नर प्लेयर्स अंधे नहीं है कि वो रुक जाएंगे ऐसे ही आपकी कॉल का वेट करेंगे जो भी है एंड इट्स एन एम्बेसमेंट और कल इंडिया रॉब हुई है डेवलपमेंट से कल इंडिया रॉब हुई है ग्रोथ से बिकॉज अगर हम कल का मैच जीतते हम राउंड थ्री के लिए क्वालिफाई करते इट वुड अबिन हिस्टोरिक दोस्तों और जो स्टीमैक के अगेंस्ट हेट चल रहा था और आई कांट बिलीव इट आई कांट बिलीव इट कि लोग डिपेंड करें इगोर स्टीमैक को आफ्टर कल की लॉस की ओ देखो स्टीमैक के होने से हम इतना अच्छा खेले लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेफरी एंड स्टफ लाइक दैट बट हम इस पोजिशन में होते नहीं इन द फर्स्ट प्लेस अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीत जाते अगर हम कुवैत के अगेंस्ट जीत जाते एंड एंड बोथ पॉइंट्स आर ऑन हिम भाई एंड यू कान चेंज माई माइंड ऑन दैट स्टीमैक हैज टू गो द साइकिल ऑफ दिस इंडियन फुटबॉल टीम हैज एंडेड विद सुनील चेत्री एंड नाउ स्टीमैक नीड्स टू लीव एज वेल अब हमारे कोच चाहिए हमारे साइकिल चाहिए बिकॉज लेट्स रियल इंडिया वॉज गुड येस्टे एंड दे शोड की इंडिया एक अच्छा लेवल पे परफॉर्म कर सकती है एंड मेरी एक सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रही कि इंडिया का कोई यू नो क्रिएटिविटी नहीं मिडफील्ड से दे ऑलवेज ट्राई टू अनलॉक देयर अपोनेंट फ्रॉम द विंग्स क्रॉस क्रॉस स्टफ लाइक दैट बट जो कल बॉल डाली थी बाई फर्नांडिस ने फॉर चांगते इट वॉज मैजिकल इट वॉज यू नो सो स्टनिंग खड़ा हो गया मेरा भाई आई एल बी ऑनेस्ट एंड वट अ फिनिश बट इट बाज ऑल इन वेन अगर आप परफॉर्मेंसिस की बात करोगे तो आई थिंक गुरप्रीत सिंह सांधु वॉज वेरी ग्रेट यस्टरडे मेहता वज गुड एज वेल जय गुप्ता की भी

बट या अपार्ट फ्राम दैट मेरे को ज्यादा किसी की अच्छी लगी नहीं मनवीर सिंह के पास चांसेस और इंडिया अब खुद को इस वे में भी ब्लेम कर सकती है कि वी हैड मनी चांसेज ये हमने कन्वर्ट नहीं किया वो हमारी गलती है वो चांगते का वो जो रिबाउंड मिला था मनवीर सिंह के टेरिबल मिस के बाद वो अगर बैरी कर देता वो तो वी वुड हैव गॉन टू निल अप और फिर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा उच्चा रहता बट स्टिल बाई वट अ डिसग्रेसफुल रेफरिंग फ्रॉम दिस गाय एंड या इट्स टेरिबल न्यूज़ बट आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन भी शो करता है कि अगेंस्ट कुेत अगेंस्ट अफगानिस्तान अगेंस्ट कतार वी हैंग अगेंस्ट दीज गाइज कल का मैच भी रिफ्लेक्ट करते ग्रुप हम अपनी वजह से हारे हैं वी कॉन्ट यू नो डिफेंड आर टीम बिकॉज अगेंस्ट अफगानिस्तान वी ड्रॉप्ड सिक्स में से आई थिंक फाइव क्रूशल पॉइंट्स और कुवैत के अगेंस्ट भी हमने अपने होम पे ड्रॉ खेला वी शुड हैव वॉन दैट गेम और अगर हम वो गेम जीतते तो वी वुड हैव इजिली क्वालिफाइड फॉर द राउंड थ्री एंड या आप अब क्या कर सकते हैं इट इज़ वट इट इज़ आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि वट हु वॉज योर फेवरेट प्लेयर या फिर आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन था एंड या दैट्स इट फ्रॉम मी टूडे गाइज आई एल सी द नेक्स्ट वन पीस आउट